हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में बात की, जिसमें हमने बात किया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में जब आपके पास में डेटा फाइंड करना होता है या उस वैल्यू पे आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन को वहां पर आप यूज करते हैं। पर जब आपको सेंट्रल में वैल्यू गिवन होता है तो आप क्या करते हैं, स्टर्लिंग बेसल और गाउस फॉर्मूला जो होता है जो कि सेंट्रल इंटरपोलेशन के लिए होता है उनका यूज करते हैं। ओके, अब इक्वल इंटरवल में क्या होता है कि मैं बता देता हूँ डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जैसे मैं कहूंगा आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है तो आपको 1/hdy/du लिखना होता है, बिकॉज फॉर्मूला जो होता है वो यू के टर्म्स में होता है, यू की वैल्यू होती है। बिकॉज हम अगर बात करें कि फंक्शन वाई जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, वाई हमारे पास में डायरेक्ट यू का फंक्शन होता है, एंड अगेन यू जो होता है वो एक्स का फंक्शन होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो u डैश जो होता है, u फंक्शन ऑफ x जो है ना, f x डैश जो है वो 1/h के इक्वल होता है, जो कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को करेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। पूरा डिटेल डिस्कस हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में किया है जिसमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अच्छे से समझाया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टॉपिक वाइज हमने सारे इंटरपोलेशन और साथ में जो न्यू टॉपिक्स होता है, न्यू वीडियोज होता है, हम उसमें अपलोड करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाय स्टर्लिंग फॉर्मूला से हम इसको करेंगे, स्टर्लिंग फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एफ डैश वन आपको फाइंड करना है, तो एफ डैश वन जो है वो मिड में है, तो मिड में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसके लिए डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा। डिफरेंस टेबल कैसे बनाता है, आप सभी वेल नॉन है ये चीज। तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हमने लिखा म्यू, म्यू जो होता है वो उसके प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे ये जीरो नंबर पे है, ये -1, -2, -3 होता है, नीचे 1, 2, 3 होता है y की, इनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज ये है, हमने कैलकुलेशन कर रखे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। तो जब इसमें इसको लेस करते हैं तो हमारे पास में आता -87, फिर ये हो जाता -17, -1 हो जाएगा ये, ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, एंड ये हो जाएगा 203, एंड देन अगेन ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 52, एंड देन ये हो जाएगा 142, आगे आ जाएगा -54, ये हो जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा -42, और ये हो जाएगा 90, और यहाँ पे आ जाएगा 48, 48, एंड देन 48, तो ये हो जाएगा 0, 0, एंड देन ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो स्टर्लिंग फॉर्मूला होता है उसके लिए जो उसका पैटर्न होता है वो आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज जिसको हम सेंटर लेते हैं तो उसको क्या करना होता है, इस टाइप से वहां से नीचे की ओर जाना, फिर यहां से ऊपर जाना, फिर यहां से नीचे, फिर यहां से अगेन नीचे, फिर अप, फिर अगेन डाउन, डाउन, अप, डाउन, इस टाइप से आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका यूज करना है। इस वाले फॉर्मूले को आप लर्न रख सकते हो, बाकी अगर पैटर्न याद है आपको तो लर्न रखना है। जब फॉर्मूला यूज करते हैं इन दोनों, जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना और इसमें 2 का डिवाइड करना, बस वैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हम यहाँ पे u का जो वैल्यू फाइन कर देते हैं, u इज इक्वल टू x-x0/ होता है h, x0 जो होता है वो सेंट्रल की वैल्यू होती है, तो सेंट्रल में 1 है, x जिसपे हमको फाइंड करना है वो भी 1 है, और h यहाँ पे है जो भी 1 है, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो बाय स्टर्लिंग फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टर्लिंग फॉर्मूला हमने जैसे हेडिंग में लिखा वाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y0 प्लस ये आ जाएगा u। अब यहाँ से देखें स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ये है y0, एक्चुअली दिस प्लेस इज कॉल्ड y0 सेंट्रल में है ना, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम कहेंगे y1। ओके, तो ये भी y0 हो जाएगा। एक्चुअली मैं एक बार क्या करता है, इनके जो नेम्स है वो लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर इनको डिनोट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास में y-3, ये हो जाएगा y-2, ये हो जाएगा y-1, y0 एंड देन y1, ये हो जाएगा y2 और ये आ जाएगा y3। अब क्या करना, आपको नीचे से एक कम करते हुए चलना, इट मीन्स डेल y-3, ये हो जाएगा डेल y-2, ये हो जाएगा डेल y-1, डेल y-0 एंड देन डेल y1, डेल y2। फिर क्या करना, अगेन नीचे से एक और कम करना, तो डेल स्क्वायर y-3, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y-2 एंड देन डेल स्क्वायर y-1, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y0 और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y1। फिर वापस एक बार और नीचे से कम करना, तो ये हो जाएगा डेल क्यूब y-3, ओके, एंड देन डेल क्यूब y-2, ये हो जाएगा डेल क्यूब y-1 और ये हो जाएगा डेल क्यूब y0।
सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा डेल पावर 4y-3, ये हो जाएगा डेल पावर 4y-2 और ये हो जाएगा डेल पावर 4y-1 और आगे यहाँ पे आ जाएगा डेल पावर 5y-3 डेल पावर 5y-2 एंड देन लास्ट में हो जाएगा डेल पावर 6y-3। इस टाइप से आपको नीचे से एक एक कम करते हुए इस टर्म को देखना है और इस टर्म्स की जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो क्या करना है, अब हम अपवर्ड जा रहे हैं यानी कि इस डेल वाई जीरो से डेल वाई माइनस वन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना होगा u और u के साथ में आपको लिखना होगा डेल वाई जीरो प्लस ये हो जाएगा डेल वाई माइनस वन और मैंने कहा जब भी आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनमें टू का डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा उसमें आएगा यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। यू कैन सी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं, फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वापस क्या आएगा आपके पास में सिंगल फॉर्मूला आएगा, उसमें आपको क्या लिखना होगा यू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल, फिर इसके साथ में जो आएगा इसमें यहां तक आने के बाद में हम क्या कर रहे हैं यहाँ से अपवर्ड जा रहे हैं, फिर ये वैल्यू आई आपके पास में ओके यहाँ पे ये आएगा डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन जो है वो कहाँ जा रहा है डेल क्यूब वाई माइनस वन जो है वो डेल क्यूब वाई माइनस टू की तरफ जा रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे डेल क्यूब वाई माइनस वन, स्क्वायर यहाँ आ गया तो क्यूब यहाँ आ जाएगा और वो आएगा आपके पास में वाई माइनस वन टू डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन ये हो जाएगा टू फैक्टोरियल सॉरी नीचे आएगा टू ओके फिर ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे डेल ओके यहाँ पे आएगा आपके पास में डेल हाँ ये आ जाएगा यू इसके साथ में आएगा स्क्वायर और आगे आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। हाँ ये जो यू स्क्वायर है इन दोनों को साथ में लिखना है यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल एंड यहाँ पे आएगा डेल पावर फोर वाई माइनस टू। आप देख सकते हैं अब यहाँ से कहाँ जाना है आपको वाई माइनस टू यानी कि ये वाला टर्म हमको लिखना होगा वहां पे, फिर आगे वाले सारे टर्म जीरो है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैं नहीं लिख रहा उसको क्योंकि सारे जीरो है तो उनकी वैल्यू पुट करने पे भी आपको लास्ट में जीरो मिलेगा, तो ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करना उसका। अब क्या करना आपको डिफरेंशिएशन करना, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले वन अपॉन एच से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद में आगे पूरे का देख सकते हैं ये पूरा फंक्शन जो है किसका फंक्शन है, यू का फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का आपको यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये यू है तो यू का हो जाएगा वन और आगे आ जाएगा आपके पास में डेल वाई जीरो प्लस ये हो जाएगा डेल वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टू और टू से टू कैंसिल हो जाएगा बिकॉज टू फैक्टोरियल है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे नॉर्मली यू यू स्क्वायर वाई माइनस वन हो जाएगा प्लस यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो ये यू क्यूब होगा तो थ्री यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू है तो ये हो जाएगा वन ओके और अपॉन में आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल मीन से हो जाएगा सिक्स और आगे आ जाएगा डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन ये हो जाएगा टू। आगे की अगर मैं बात करूं तो डेल पावर यहाँ पे फोर हो जाएगा तो ये हो जाएगा फोर यू क्यूब माइनस यू स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टू यू अपॉन ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल मीन्स 24। सो कॉमन लाके हम बिल्कुल सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा फोर डेल वाई माइनस टू। इस टाइप से हमने इसका क्या किया, एक बार डिफरेंशिएशन किया, अब आपके पास में डेल वाई जीरो डेल जीरो डेल वाई माइनस वन एंड डेल स्क्वायर वाई माइनस वन इन सब की वैल्यूज हमारे पास में टेबल में है, सबके रिप्रेजेंटेशन सबके जो प्लेसेस है वो मैंने आपको बताए, इन सब की वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो क्या कहेंगे अगेन इसका डिफरेंशिएशन करना और साथ में आपको क्या करना एच का मल्टीप्लाई करना, एच जो है वो क्या है इसके लिए इंटरवेल, हमने यहाँ पे लिखा एच इज इक्वल टू वन है एच इसके लिए इंटरवेल हो जाएगा। जब आप अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करने को बोले तो वन अपॉन एच स्क्वायर क्या करना साथ में ऐड करना और क्या करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि इसका क्या करना एक बार अगेन डिफरेंशिएशन कर देना सॉरी यू स्क्वायर आपको यू स्क्वायर लिखना पड़ेगा यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इसलिए। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आई होप आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक लेते ना काफी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।